नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर लेकर आए हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है हमला। राहुल गांधी ने राजा से मांगे हैं 10 सवालों के जवाब। कहा, हम डरने वाले नहीं, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, राहुल गांधी ने इसके साथ साथ पीएम मोदी के इस्तीफे की भी मांग कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था और किसानों को लेकर पीएम मोदी से फेसबुक पर 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम संसद में सवाल पूछने नहीं देते और सवाल पूछने वाले सांसदों को निलंबित करवा देते हैं। 50 घंटे का प्रदर्शन जारी है संसद में दोस्तों। आपको बताते चलें, कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। फेसबुक पोस्ट में मोदी सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मानसून सत्र में हम प्रधानमंत्री जी से जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। जनता के कई सवाल थे जिनके जवाब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को देने थे, लेकिन उनकी तानाशाही तो देखिए। सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री इतने नाराज हो गए कि 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया और 23 को निलंबित करवा दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर 10 सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने। कहा कि राजा इन 10 सवालों के जवाब ही दे दें, सवाल तो और भी हैं बहुत पूछने को। आपको बताते चलें, इसके साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं तो बेहतर होगा वह अपना इस्तीफा ही दे दें। राहुल गांधी ने कहा कि हमें अच्छी तरीके से आता है कि इन जैसे तानाशाहों से कैसे निपटना है। कांग्रेस पार्टी को डराने धमकाने से इनकी जवाबदेही खत्म नहीं हो जाएगी। हम जनता की आवाज़ हैं और मुद्दे उठाते रहेंगे। दोस्तों, ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। अगर आप भी उनकी बातों के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। #मोदी हटाओ देश बचाओ। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए